बरेली में बेजुस ट्यूशन सेंटर सिविल लाइन बरेली का उद्घाटन महापौर उमेश गौतम द्वारा किया गया। बेजुस द्वारा बरेली में ये पहला सेंटर है जहां पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा कक्षा 4 से 10 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बेजुस द्वारा मेघावी छात्रों को उनकी मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाती है। बेजुस ट्यूशन सेंटर के प्रबंधक संजय शुक्ला एवं जोनल मैनेजर फजल उर्फी के द्वारा महापौर उमेश गौतम का स्वागत किया गया एवं सेंटर का भ्रमण दानवीर सिंह यादव, अनुकरण सक्सेना एवं शिवम दुबे द्वारा कराया गया। देखिए, बायजूस अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन में थे लेकिन अब ऑफलाइन मोड में आ गए हैं और पूरे देश में 500 सेंटर खुल रहे हैं और बरेली भी उन शहरों में से एक है। यहाँ पर बायजूस का ट्यूशन सेंटर खुल गया है, आज उसका इनॉग्रेशन हो गया है, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ शुक्ला जी को, सेंटर हेड हैं, और यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सारे लोग जो बरेली को एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर से जो 4th से लेके और 10th तक के हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा रहे हों, फिर भी बच्चे को एजुकेशन के लिए कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में बायजूस जैसी कंपनी, उनके पास एक बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस होता है और यहाँ जो उनके टीचर हैं वो भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, और वो अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो जो बेसिक उसकी एजुकेशन है उसकी नींव काफ़ी मजबूत होगी। इसके लिए मैं बायजूस के सभी पदाधिकारियों को, उनके जो सेंटर हेड हैं शुक्ला जी, और सारे टीचर्स को बहुत बधाई देता हूँ, और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बायजूस सेंटर बरेली में सफलता की परचम छुए। देखिए, उनकी बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जैसा मुझे उन्होंने बताया है, तो आम आदमी तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे, और कोई भी परिवार हो, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन की बात होती है, तो कोई भी माँ बाप कैसा भी करके वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि अगर वो पढ़ाने में खर्च कर देंगे तो बाद में उसके काम के लिए या उसकी जॉब के लिए उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और वो निश्चित रूप से बच्चा सफल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपके पास स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री है, उनका CSR फंड होता है। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा बायजूस के लोगों से कि उनसे भी बात करके रखें, कभी कोई ऐसा परिवार आता है तो उसकी ज़रूर मदद करें। देखिए, अनुभव बहुत अच्छा है बरेली में। बरेली एक ऐसी सिटी है जो अगर हम देखें यूपी के अंदर में तो तरक्की करती हुई सिटी है। यहाँ का जो स्टूडेंट बेस है वो बहुत अच्छा है, और हमारा एज अ बायजू मानना है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिसमें हम लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे। अभी तक जो बायजूस था हमारा वो ऑनलाइन शिक्षा में ज़्यादा था, बट अब क्योंकि हम लोग ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन एजुकेशन में भी आ चुके हैं, और ये जो सेंटर है ये ऑफलाइन एजुकेशन के लिए ही है, सो हमारा पूरा मकसद जो रहेगा वो बच्चों की एजुकेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करने का रहेगा। इस समय सर कितने फैकल्टी हैं यहाँ पे, किस तरीके किन सब्जेक्टों पे फोकस है आपका? सर, फैकल्टीज की अगर हम बात करें तो करीबन 8 फैकल्टी मेंबर हैं अभी हमारे पास में, जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं, और जो हमारा मेन जो फोकस एरिया रहेगा बच्चे के एजुकेशन के लिए वो मैथ और साइंस को लेकर रहेगा, जिसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं थोड़ा सा जो उनका एक वीक एरिया होता है वो मैथ और साइंस को लेकर ज़्यादा रहता है, तो उन सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑनलाइन से ऑफलाइन आना कैसा अनुभव है आपका? देखिए, हमारा अनुभव तो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा अनुभव जो हमने अभी तक बात करी है, जो परिवारजन हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनसे अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, अगर उनके अनुभव की बात करें तो उनका अनुभव बहुत अच्छा हमारे साथ में रहा है। वो जिनसे भी हमने बात करी उन सभी लोगों ने अभी तक हमें एनकरेज किया है कि ये जो चीज़ हो रही है ऑनलाइन से जो आप ऑफलाइन में आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जी। थैंक यू। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।